हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलो यार, हमारी दोनों मुर्गियां भी मैं अभी छोड़ देता हूँ। चलो चलो, आ जा। अभी ना दोस्तों, ये दिन भर अभी ना बाहर रहेगी और इस इधर पूरा ये घूमती रहेगी। तो दोस्तों, मैं हमारे रस्टी और सिम्बा को दे रहा हूँ ट्रीट्स। कहाँ गए यार ये रस्टी? चल खेले, चल तेरे फेवरेट। आ जा भाई, खा ले। ये देखो भाई, तुरंत खा जाती है। ले भाई, फिर से ले। सिम्बा का है, खेले चल। तेरे फेवरेट ट्रीट्स आ गई, तू भी आ गई। तो दोस्तों, हमने कल बजेस ऐड की हमारे सेटअप पे, ठीक है। और अभी उसके ओनर हमें मिलने आए हुए हैं। भाई मुझे एक क्वेश्चन है यार, तू उनको क्या खिलाता था? वो भगर के से लाला आता ना, हाँ वो खिलाता था। ओके यार, मैं तो इनको भी ना दोस्तों बाजरा वगैरह दे रहा। हाँ मतलब मैं दो तीन तरह से इनको फूड दूध देता हूँ। मतलब तू वो भी खिलाता था, कोरिंडर वगैरह आते? देखो हाँ, वो भी खिलाता। ओके, मतलब इनको आदत है भाई। मुझे यही टेंशन थी यार, क्योंकि मैंने ना इनको भी ना बाजरा दिया तो बाजरा नहीं खा रहे यार, इसी वजह से यार फुल टेंशन हो गई थी मुझे। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक देखा यार, हमारे बजेज है ना यार, ये ना ये जो लाइन में जितने बैठे हैं ना, ये हमारे कल के न्यू बजेज है, ठीक है। 7 के 7 लाइन में बैठे है और हमारे पुराने वाले उधर बैठे है। मतलब ये दो ग्रुप में बैठे है, पता नहीं यार ऐसा क्यों। ये देखो भाई, यहाँ पे एक ग्रुप है और ये यहाँ पे सेकेंड वाला ग्रुप है। दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ नर्सरी, क्योंकि यार हमें घर के लिए थोड़े बहुत प्लांट्स भी लेने हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैंने कुछ फिशेस वगैरह ऑर्डर करके रखी थी, तो वो भी मुझे पिकअप करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार, अभी मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ नर्सरी के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पपाया नर्सरी, ठीक है। और आपको मैं अभी एक और एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो यार, ज़बरदस्त है ना। यहाँ पे ना दोस्तों सारे टैंक रखे गए हैं और यहाँ पे ना सारे पॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ना गोल्ड फिश, कोई फिश, मतलब बहुत सारी फिशेस है। आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वाला टैंक अपन इधर से कवर करते हैं। हाँ, एंजल फिश है। तो दोस्तों, ये वाली आप देख रहे हो, ये है एंजल फिश। वाव यार, वाइट कलर में है यार एंजल फिश, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी प्लैटिनम एंजल है। और ये देखो भाई, ऐसा कुछ टैंक सेटअप है। दोस्तों, इसी लेंथ देखी जाए ना, तो ये 4 फीट का लग रहा है मुझे, या हाँ 4 फीट का होगा ही यार ये, क्योंकि बहुत बड़ा है यार ये टैंक। और दोस्तों, यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हो। वाह यार, ये मुझे ना रिवर वाली जो बार्ब होती है ना, उसके जैसे ही लग रही है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। वाह वाह वाह, देखने के लिए। और यहाँ पे है दोस्तों पोलर पैरेट, दो बड़े बड़े साइज़ के ऑस्कर फिश। देखो यार, इनकी साइज़ असल में बहुत बड़ी यार, यहाँ पे थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपको। देखो यार, इनका पैटर्न देखो भाई, ज़बरदस्त। वाह यार, ये देखो दोस्तों, कितने ब्यूटीफुल फिशेस है यार ये प्लांटरी टैंक में तो भाई क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोस्तों। और ये ना पूरा प्लांटरी टैंक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है। और ये देखो भाई, इनकी चमक देख सकते हो भाई। और यहाँ पे है कलर वीडियो का टैंक और रोजी बार भी, और उनके साथ और कुछ बार से यार, भाई ज़बरदस्त। ये भी भाई, ये टैंक मुझे इतना ज़्यादा यूनिक लगा ना दोस्तों। ये देखो यार, यहाँ पे एक छोटा सा घर भी है, जो कि पुराने ज़माने के जैसे घर होते थे ना, वैसे ही यहाँ पे छोटा सा घर है यार, ठीक है। देखो यार भाई, यहाँ पे एक आदमी ना ऐसा फिश पकड़ रहा है, और ये देखने के लिए कुछ यूनिक सा लग रहा है भाई, ठीक है। ये देखो भाई मुझे ये सबसे फेवरेट लगा यार। एक बार इसे दूर से देखते, ये देखो यार ऐसा कुछ है, ये दूर से टैंक। और भाई मैं मेरा सेटअप ज़रूर ऐसा करना चाहता हूँ यार, ठीक है ना। देखो भाई क्या ज़बरदस्ती लग रहा है, एक बार इसे अच्छे से देखो यार। मतलब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा भाई जाने का, मतलब यहीं पे देखता रहूँ मैं फिशेस और ये वाला घर और वो आदमी, क्या लग रहा है भाई, ज़बरदस्त। और दोस्तों, अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं बहुत सारे अलग अलग वराइटीज़ के प्लैटिस का टैंक सेटअप। ये देखो यार, ये दोस्तों सारे प्लैटिस है, अलग अलग वराइटीज़ के, बहुत सारे प्लैटिस है यार। और अब यहाँ पे स्मॉल साइज के जो शॉर्ट टेल्स वगैरह हैं वो भी देख सकते हो, मतलब प्लैटिस के साथ है। ये देखो यार, मुझे तो ये टैंक बहुत अच्छा लगा यार। और ये पूरा प्लांटेड टैंक है दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर भाई यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो हुए हैं, और प्लैटिस भी देख सकते हो। और दोस्तों, ये है टिन फॉइल बार, जो कि अल्बाइनो कलर में है, और बहुत बड़े बड़े साइज़ के यार ये। अब ये तो छोटे साइज़ के दिख रहे होंगे, असल में ये बहुत बड़ी साइज़ है यार, ज़बरदस्त यार। और ये देखो यार, यहाँ पे सबसे यूनिक मतलब ये वाले डिस्कस लगे दोस्तों मुझे, और इनका पैटर्न कलर वगैरह आप देख सकते हो यार, बहुत ही ज़बरदस्त है ना। वाव यार,
मुझे ये वाले डिस्कस बहुत पसंद आए, छोटे बेबीज है डिस्कस के, बड़े वाले नहीं है, और ये सेम साइज के छोटे बेबी डिस्कस जो कि ब्लू कलर में लग रहे हैं, ठीक है। ये देखो यार, वाओ वाओ वाओ, और सारे के सारे हैंटे में यार। ये देखो, मैंने जैसे ही हाथ ऊपर लिया सारे डिस्कस आ गए भाई। और दोस्तों ये वाला जो टैंक सेटअप है मुझे क्यों कुछ यूनिक लगा, जो कि अपना नारियल का जो ऊपर का होता है ना कड़क वाला लेयर, तो उसके ऊपर ये वाला प्लांट ग्रो करके यहाँ पे जो छाते जैसा करके रखा है भाई, बड़ा ही यूनिक लग रहा है यार ये देखने में। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वराइटीज के श्रिम्प दिख रहे हैं आपको, और छोटे छोटे साइज के फिशेज भी है, और ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये वाले फिशेज। इनका जो शेप है ना यार, ऐसा कर्व टाइप है, कुछ अलग यूनिक लग रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये कौन से मतलब सिकलेट वराइटी है मुझे नहीं पता यार, बट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये, और ज़ेब्रा जैसे इनके ऊपर स्ट्रिप है। ये देखो भाई, वाओ, फुल्ली एक्टिव है ये। और दोस्तों ये बाकी वाले जो पॉन्ड है ना यार, इसमें सारे ना गप्पीज है, यहाँ पे भी गप्पीज 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 गप्पीज, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स है, और यहाँ पे नहीं पता यार, दिख नहीं रहा नीचे का, और यहाँ पे कोइज है। और देखते हैं आगे, सबसे सबसे ब्यूटीफुल मुझे ये वाला पॉन्ड लगा यार। इसमें ना दोस्तों कुबाट कोई है जो कि आपको गोल्ड गोल्ड कलर की दिख रही होंगी, ठीक है। हमारे पास भी यार दो, कितनी क्यूट दिख रही है यार ये, वाह वाह। गोल्ड फिश भी इसमें, शुपकिन गोल्ड है, और बहुत सारे फिश है यार यहाँ पे, वाह। और ये पूरा नेचुरल सेटअप है, देख सकते हो यार इनकी क्वालिटी, और इनका कलर वगैरह भी देख सकते हो भाई, ज़बरदस्त। यहाँ से ना यार निकलने का मन ही नहीं कर रहा यार मेरा। ये देखो यार दोस्तों, ये वाला प्लांट, वाओ। यहाँ पे भी गप्पीज है नीचे, ये देखो ये देखो ये देखो, कितने सारे गप्पीज है, ये देखो, वाओ। तो दोस्तों ये वाले टैंक में तो मुझे ऐसे लग रहा है ना यार, यहाँ पे बड़ी छोटी स्मॉल साइज़ की और सबसे बड़े ब्रूडर वगैरह यहाँ पे सारे रखे गए हैं, मतलब ये पूरे सिकलेट फिश की फैमिली यार। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार ये वाला टैंक भी, वाओ। और यहाँ पे कौन सी है, हाँ ये ब्लैक वाली टिन फॉइल बार्ब है। ये देखो ये अच्छे से देख नहीं रही है, क्योंकि ना थोड़ा ना अलगी वगैरह जम चुका है आगे से, तो ये अच्छे से इतना दिख नहीं रहा है, बट देखो यार भाई इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, आपको मैं मतलब छोटी लग रही होगी, पर असल में बहुत बड़ी साइज़ है यार दोस्तों इनकी। ये देखो यार, ये है टिन फॉइल बार्ब। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जाते जाते देखा बहुत सारे वाटर लिलीज यहाँ पे हैं, जो कि देख सकते हो भाई, वाओ। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार, ये सबसे फेवरेट मेरा प्लांट है दोस्तों। ये देखो भाई यहाँ पे भी है वाटर लिलीज। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ नर्सरी से। ओ यार सॉरी यार, रेस्ट मैंने तुझे उठा दिया, हमारे रेस्ट यार सोई थी, सॉरी। सो जा फिर से। तो मैं गया था नर्सरी और कुछ मुझे फिशेज वगैरह भी पिकअप करनी थी, आपको मैं बोल के गया था, ठीक है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों मैं वो फिशेज लेके आ गया यार। एक मिनट, ओए सिम्बा तू भी देख रहा है यार मेरे साथ, ओए 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 भाई कुछ ना कर यार, ठीक है ना, ये हमारे न्यू फिशेस है। तो दोस्तों मैंने ना यार चार फिशेस लेके आ गया यार। ये देखो ये बड़ी वाली कोई फिश, ये हमारी दो टिन फॉइल बार फिश, ठीक है दोस्तों, और ये वाली जो है ना ये हमारी प्लेको फिश है, ठीक है दोस्तों, चकर कैट फिश। ओके दोस्तों हमारे पास तो प्लेको फिश बहुत सारी है, मतलब 7-8 तो बड़ी बड़ी साइज की प्लेको फिश है, बट यार ये मुझे थोड़ी यूनिक लगी, इसका जो पैटर्न है ना भाई बहुत अच्छा लगा यार, वहाँ पे फुल ब्लैक कलर में और इसके ऊपर है ना व्हाइट कलर का पैटर्न है, तो मुझे ये थोड़ा यूनिक लगा तो मैं इसे लेके आ गया दोस्तों, ठीक है। तो चलो यार दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, इनको अभी फिलहाल तो हम है ना दोस्तों हमारे मॉन्स्टर फिश के टैंक में रखने वाले हैं, ठीक है, तो इनके लिए हम एक बड़ा सा टैंक नहीं तो पॉन्ड बनाने वाले हैं दोस्तों बहुत जल्द। ओके तो चलो यार इनको अभी मैं जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ यार, जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि नहीं काफी ज्यादा दूर से, ठीक है ना। तो अभी क्या कर, जो कोई है ना अपने ना यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, जो बड़ा टैंक बन जाएगा ना दोस्तों हम उनको वहाँ पे छोड़ देंगे, मतलब यार 4-5 दिन की बात है, सिर्फ 4-5 दिन बाद में कुछ अच्छा करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी बड़ी टिन फॉइल बार्ब है ये हमारे मॉन्स्टर टैंक में अच्छी रहेगी हमारे ऑस्कर फिश के साथ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले हमारा जो कोई फिश है ना उसको पकड़ के मैं ना बड़े टैंक में छोड़ देता हूँ, तो चलो यार भाई इसे हल्के हाथ से पकड़ना होगा, कितनी बड़ी साइज है यार ये, हो यार। तो चलो दोस्तों मैं इसको ना यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ करके रखी यार। ओहो वाह यार कितनी बड़ी साइज की कोई यार ये। तो दोस्तों अभी हमारी जो टिनफॉइल फिश है ना मैं वो छोड़ने वाला हूँ, ठीक है यार, मैं इसे ना नेट की हेल्प से पकड़ता हूँ क्योंकि टिनफॉइल वगैरह थोड़ी डेंजर होती है यार, ठीक है ना, कोई फिश इजीली हाथ में आ जाती है, बट ये थोड़ी एक्टिव होती है ना यार। ये देखो यार कितनी बड़ी साइज की टिन फॉइल है यार ये देखो ना यार इसका कलर, इसकी चमक देखो ना, वाओ। तो दोस्तों मैं इसे भी छोड़ने जा रहा हूँ हमारे मॉन्स्टर टैंक में, ये गई यार, जबरदस्त क्या खूबसूरत लग रही है यार ये। तो दोस्तों अभी हमारी जो अल्बाइनो टिन फॉइल है मैं इसको पकड़ने जा रहा हूँ, वाओ यार इसका भाई चमक देख सकते हो यार इसकी, वाओ जबरदस्त यार। चलो भाई तू भी जा,
यही दोस्तों, अब एक हमारी ब्लैक वाली टिन फॉइल होगी और एक हमारी अल्मारा टिन फॉइल होगी। यार कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा वॉशरूम टैंक। और दोस्तों अभी मैं जो न्यू फिशेस लाया हूँ ना, तो हम इनकी लेने एक बड़ा सा टैंक बनाने वाले थे। देखिए दोस्तों एक मिनट आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। हमारा जो बड़ा टैंक है दोस्तों यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, इस वाले काउंटर पे। बट अभी मैं फिक्स वगैरह कर लूँगा, जो अंकल है मतलब हमें टैंक वगैरह बना देने वाले हैं, तो उन अंकल से मुझे बात वगैरह करनी होगी, ठीक है ना। इसमें यार हमें 4-5 दिन तो कैसे भी वक्त लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा प्लानिंग तो चल रहा है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हमारा एलिगेटर कार का जो मतलब बड़ा सा टंकी है ना, तो वो मैं नीचे लाने का प्लान कर रहा हूँ यार, क्योंकि ऊपर है ना यार धूप की वजह से भी खराब हो रहा है और बहुत सारी धूल आती है यार हमारे यहाँ पे, तो इसी की वजह से जो वाटर है ना पूरा ग्रीन हो जाता है। इसी की वजह से जो टेरेस पे हमने फिश रखी ना, तो मेरा प्लानिंग चल रहा है कि वो वाली टंकी मैं यहाँ पे लेके आऊँ। वैसे तो ये रूम हमारा ही है अभी पूरा, मतलब ऊपर का जो सेटअप है ना वो सारा हमारा ही है, तो कोई नहीं यार हम फिशेस कहाँ भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना यार, हमारी न्यू फिशेस कैसी आप मुझे वो भी बताना।